नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर कलरफुल फूलों के साथ जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं अभी शाम के वक्त। और दोस्तों, सभी पशु पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे हैं तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और ये नज़ारा मुझे बहुत ही पसंद है। इसलिए मैं शाम के वक्त थोड़ा टाइम अपने टेरिस पर ही बिताती हूँ। दोस्तों, इन रंग बिरंगे फूलों को मैंने सिर्फ छोटे छोटे गमलों में पॉलीथीन में ही लगा रखा है और बहुत ही अच्छे से ये चल रहे हैं। और सभी आप मेरे सभी पौधे देखेंगे तो आप, मैंने छोटे छोटे पॉट में ही इनको लगा रखा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे चल रहे हैं। ज़्यादातर पौधे दोस्तों मुझे मेरे पॉलीथीन वगैरह में ही मिलेंगे, जो वेस्ट चीज़ें हमारे यहाँ निकलती, मैं उन्हीं में इनको ग्रो कर देती हूँ। ये चंपा का पौधा आप देख रहे हैं, छोटे से गमले में लगा हुआ है, छोटे से मैंने जो तेल का जार काट के लगाया था उसी में लगा हुआ है और बहुत अच्छे से चल रहा है। सभी पौधे एक झलक देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और दोस्तों, इनका हरा भरा रखने का काम हमारा होता है कि हम इनको किस तरह से का खाना दें और किस तरह से इनका ख्याल रखें कि ये अच्छे से चल पाए। जैसे छोटे से घर में बच्चे अच्छे से पल बड़े हो जाते हैं पलकर, वैसे ही हमें इनका भी वैसे ही ध्यान रखना है कि हमें इनको कौन सा खाना देना है और किस टाइम देना है, और सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से जो बैग होते हैं, छोटे छोटे से पॉट होते हैं, उनमें भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे तो ध्यान रखना ही है कि मैंने टेरेस पे गार्डन बनाया है तो मुझे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो छोटे छोटे गमलों में ही मुझे अपने पौधों को लगाना है, अपना शौक भी पूरा करना है। दोस्तों, ये नीचे वाला टेरेस है और यहाँ पर भी सारे पौधे बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और ये आप देखेंगे, अपराजिता की बेल तो इतनी घनी हो गई है और कुछ मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। ऐसे करके दोस्तों, मेरे पास 200-250 गमले होंगे अंदर, जो बालकनी है वहाँ पर भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर इंडोर प्लांट रखे हुए हैं और जहाँ पर जिसको जैसी ज़रूरत होती है मैं उसी हिसाब से रखती हूँ। ये कनेर वगैरह के, गुड़हल के जो पौधे होते हैं, रेनी लिली के, जिनको भरपूर मात्रा में धूप की ज़रूरत होती है, तो मैंने ऊपर वाला टेरेस पे इनको रख रखा है। और ये देखिए दोस्तों, सभी अच्छे से चल रहे हैं। दोस्तों, एक विशेष खाद जो ऑर्गेनिक खाद है, बढ़िया सी एनपीके खाद हम घर पर ही बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए दोस्तों, मैं सभी खाद मेरे घर पर बनती है। थोड़ा ये गंदा हो गया है अभी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैं ठीक कर दूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों, मैं घर का कुछ भी वेस्ट नहीं फेंकती हूँ। एक मिर्ची का जो डंठल होता है वो भी मैं संभाल कर ऊपर टेरेस पर लेके आती हूँ और मैं इस टंकी में डाल देती हूँ। लगभग 6 महीने लगते हैं दोस्तों इस खाद को बनने में। लेकिन अगर हमको जल्दी में खाद चाहिए है तो मैं एक और उपाय रखती हूँ मेरे साथ में, क्योंकि दोस्तों हर 15 से 20 दिन में खाद देनी होती है। तो हम कौन सी खाद देंगे, तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास चाय पत्ती रखी है और ये मेरे 2 दिन की चाय पत्ती है। दोस्तों, चाय सभी के घर में बनती है और चाय से इतनी अच्छी खाद तैयार हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। ये मैंने धो के सुखा ली है, अभी बारिश का टाइम है तो हमें इसको सुखा लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर हम गीली खाद, जो गीली चाय पत्ती है, हम पौधों में डालेंगे तो फंगस लग जाता है। तो हमें अच्छा है कि इसको अच्छे से सुखा ले। आप छाँव में भी सुखाएंगे तो 1-2 दिन में आराम से सूख जाती है ये, तो अभी मैंने इसको छाँव में ही सुखा है। वैसे आप इसको धूप में भी सुखा देते हैं, कोई ख़राब नहीं होगी है। और सभी तरह के पौधे में हम इसको दे सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको जो मनी प्लांट है या फिर क्या बोलते हैं इसको, रोज़ प्लांट है, इस विशेष पौधों में दे, इसको सभी प्लांट में दे सकते हैं। मैं तो मेरे जो सब्जियां वगैरह लगी हुई है, तिरोई है और खीरा ककड़ी है, जो भी सब्जियां लगी हुई है, फूल लगे हुए, सभी पौधों में इसकी खाद देती हूँ। जो मैं पत्तियों की खाद बनाती हूँ दोस्तों, उसको इसके साथ इसको मिक्स करके मैं इस और उडेश जो आती है, जो जली हुई लकड़ियों की राख होती है, वो तीनों को मिक्स करके मैं देती हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होता है और बहुत ही
अच्छा एनपीके खाद तैयार हो जाता है, हमें मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये जो सभी पौधे आप देख रहे हैं मैंने कलम से ही तैयार किए हैं, और सारा काम मेरा घर का ही है, सारा वेस्ट मैंने मेरे जो इन पौधों पे मैंने कभी भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। अभी कभी कुछ गमले ही मैंने खरीदे हैं, वरना मैं कभी भी पैसे से पौधे नहीं लेके आई हूँ, और न ही मैंने खाद खरीदी है और न ही पॉट खरीदे हैं। मतलब मैंने जो लो बजट पर मेरा गार्डन तैयार किया है, तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी मिलती है, सिर्फ मेहनत मेरी लगी है, और दोस्तों मेहनत का फल आपके सामने है। और मेरे पौधे कोई नर्सरी के पौधों से कम नहीं है, उतने ही और ज़्यादा हेल्दी है, और हर वक्त मैं इनका ध्यान रखती हूँ। मतलब ये पौधे मेरी लाइफ है, क्योंकि मैं इनसे जुड़ी हूँ। जैसे हम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे ही मैं इनका ध्यान रखती हूँ। तो दोस्तों ये वैसा ही रिजल्ट मेरे को देते हैं, और मुझे इनसे बहुत लगाव है, तो मैं इन पर केमिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। शाम हो गई है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वीडियो को बड़ी नहीं करूँगी, और आपने देख ही लिया है। इसमें आप अच्छे से शक्कर और दूध को निकाल दीजिए, जो इलायची वगैरह के छिलके हैं वो रहने दीजिए, इससे बहुत ये भी डीकम्पोस्ट हो जाएंगे। अदरक अगर आप डालते हैं तो उसको अच्छे से निकाल दीजिए, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो पौधों को ख़राब कर देती है। और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में दोस्तों, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो आप अपने सभी पौधों पर इसको यूज कर सकते हैं। और आप अगर गीली इसको यूज करना चाहते हैं, तो अच्छी सी मिट्टी गुड़ाई कीजिए, फिर उसके अंदर दबा दीजिए, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, तो फंगस वगैरह कम लगता है। मैं ज़्यादातर इसको सुखा कर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सूखी हुई खाद में फंगस लगने का डर नहीं होता है, और ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाती है। और दोस्तों एकदम से लाइट वेट जो गमले तैयार करने होते हैं, तो हम इसी ही खाद का यूज करते हैं। मैं लीफ जो पत्तियों की खाद होती है, और ये और जो आप देखते हैं मूंगफली के छिलके वगैरह, मैं नीचे वो ही डालती हूँ सभी पौधों में, और ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल देती हूँ, जिससे कि मेरा एकदम से लाइट वेट गमला बन जाए। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि लाइट वेट गमला कैसे बनाया जाता है। और धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।